सीतामढ़ी पुलिस और घरफोड़ी विरोधी दल ने एक ऐसा मामला सुलझाया है जिसमें दो चोरों की टोली विभिन्न शहरों में जाकर बंद घरों को निशाना बनाती थी। पुलिस ने यह मामला सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर सुलझाया है। पिछले कई दिनों से शहर के बड़े इलाके के घर जो खाली पड़े हैं उनमें चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। ऐसी एक घटना सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन की हद में सामने आई है। इस घटना में एक परिवार अपने घर को ताला लगाकर विदेश चला गया था, जिसके बाद चोरों ने उनके घर को निशाना बनाकर करीब 18 लाख की नकदी और जेवर चुरा लिए थे। घटना की रिपोर्ट होते ही सीतामढ़ी पुलिस का विशेष दल और आयुक्त कार्यालय का घरफोड़ी विरोधी दल मामले की जांच में लग गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले को सुलझाकर आरोपी सलीम कुरैशी और शब्बीर और शाबिर कुरैशी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी मूलतः हैदराबाद के रहने वाले हैं। मामले की हकीकत है कि तारीख 9/4/2024 को नवोदम होटल के मालिक ऋषभ कामदार, इन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की कि उनके घर का उनके माताजी पिताजी न्यूजीलैंड चले जाने के बाद उस दरमियान घर बंद था और घर के फ्लैट किसी अज्ञात चोर ने तोड़ने के बाद में घर के सामान एयर अबाउट 17,90,000 का माल चोरी गया था। उसके बाद में बर्डी की टीम, बर्डी डिटेक्शन की टीम और घरफोड़ी विरोधी पथक, पुलिस आयुक्तालय नागपुर का घरफोड़ी विरोधी पथक, इन्होंने आरोपी को निष्पन्न किया, हैदराबाद से अटक किया और बर्डी पुलिस के दावे में दिया। उसके बाद में बर्डी पुलिस ने उनका 16 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड लिया और रिमांड के दौरान उन्होंने माल कहाँ कहाँ कर बेचा है या गहन रखा है उस बारे में जानकारी देने के बाद पुलिस टीम, बर्डी की पुलिस टीम संतोष कदम और डीबी की टीम 4 दिन तक मुंबई में रही और वहां से उन्होंने तकरीबन सोना चांदी और या कुछ इधर अदर आर्टिकल्स ऐसा मिला के 16,90,000 का मुद्देमाल आरोपी से रिकवर किया है। आरोपी के नाम है मोहम्मद सलीम मोहम्मद हबीब कुरैशी, ये हैदराबाद का रहने वाला है लेकिन देवनार में रहता है। और उसके बाद शब्बीर, उसका साथीदार शब्बीर उर्फ शाबिर कुरैशी, जमील अहमद कुरैशी, ये भी उधर का हैदराबाद का रहने वाला है लेकिन ये दोनों लोग मुंबई में रहते हैं, ये देवनार में ही रहते हैं और उनका हमेशा का ये चोरी और गंद घर तोड़ना ये उनका पूरा मुख्य व्यवसाय है। खास बात यह है कि चोरों की यह टोली देश के विभिन्न शहरों में जाकर बंद घरों को निशाना बनाते थे और रेकी कर उन्हें लूट लेते थे। इससे पहले भी पुलिस ने कई बार जन जागृति कर लोगों को घर बंद कर जाने के लिए नहीं कहा था, मगर फिर भी लोग यह गलती कर ही लेते हैं। ऐसे में समझदारी यही है कि बाहर जाने पर अपने घर में किसी परिचित व्यक्ति को रहने के लिए बुला लिया जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।